ये देखिए कितना जबरदस्त धुआं उठ रहा है। इसे चिकन धुआं, चिकन कोयला या फिर चिकन अंगारा भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ चिकन अंगारा बनाने की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मजे की रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं इस चिकन अंगारा को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है और मैंने इसे कैसे बनाया है। ये मैंने 1 kg चिकन लिया है, मैंने इसे विद बोन लिया है, आप चाहे तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, अब ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मैंने 400 ग्राम घर का जमा दही लिया है, इसे मैंने अच्छे से बीट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये मैंने 1 teaspoon कसूरी मेथी ली है, यहाँ पे मैंने 2 tablespoon भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। पाउडर्ड मसालों में मैंने 1.5 teaspoon नमक लिया है, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर लिया है, 1 tablespoon ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 tablespoon मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये 1/4 teaspoon काली मिर्च पाउडर है, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर है और 1/4 teaspoon ही मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। ये मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और 2 हरी मिर्च ली है जिन्हें मैंने बीच से कट करके रख लिया है। इसे स्मोक देने के लिए मैंने एक कोयला लिया है और ये लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। तो आइए चिकन अंगारा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसमें मैं सबसे पहले दही को ऐड करूंगी तो और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं ये सारे पाउडर्ड मसाले। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यहीं पे ऐड कर दूंगी, फूड कलर हल्दी और काली मिर्च पाउडर भी, साथ ही इसमें मैंने जो कसूरी मेथी ली थी उसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। सबसे लास्ट में इसमें डालूंगी टोमेटो प्यूरी। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो मैं इसमें मैंने ये जो चिकन के पीसेस लिए थे इन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ये देखिए इन सभी पीसेस को मैं हाथों से बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें सारे पीसेस को ऐड कर दिया था चिकन के, अब ये अच्छे से इसमें कोट भी हो चुके हैं। इसे 15 मिनट के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। वैसे चिकन अंगारा को मैरिनेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये पकते ही पकते बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए इसको मैरिनेट होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये मैरिनेट हो चुका है तो अब मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए चिकन अंगारा को रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसे मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं 4 tablespoon जितना ऑयल ऐड कर दूंगी। इसमें ज्यादा ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो इसमें दही डाला था उससे भी अपना एक ऑयल रिलीज हो जाएगा। तेल अब इसमें गर्म हो रहा है, उसके साथ ही मैंने ये जो चिकन की पीसेस को मैरिनेट किया था उसे भी मैं यहाँ पर एक एक करके इस पैन में ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर चिकन के सारे पीसेस को ऐड कर दिया है, तो मैं अब इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी और फिर 2 मिनट के बाद ही इसकी साइड को चेंज कर लूंगी। हाई फ्लेम पर इसे एक साइड से पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। ये देखिए मैंने इन सबकी साइड को चेंज कर दिया है, अब मैं दूसरी साइड से भी इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लूंगी। इस स्टेज पर हमें पकाते हुए ये ध्यान रखना है कि अभी हमें इसमें लिड को कवर नहीं करना है, अभी इसे ओपन भी पकाना है। इसे दूसरी साइड से भी हाई फ्लेम पे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर इसमें ये जो इसका मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला था उसे भी ऐड कर दूंगी, इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप इसमें ये जो पानी देख रहे हैं तो मैंने इसमें अलग से कोई भी पानी को ऐड नहीं किया है, इसमें ये चिकन का अपना ही जूस है जो इसमें रिलीज हुआ है। और वैसे भी ये जो रेसिपी होती है ये ग्रेवी के साथ बनती है, तो डोंट वरी। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर लिड लगाकर 10 मिनट के लिए पका लूंगी जिससे ये अंदर तक से अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए इसे लिड लग के मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे देख लेते हैं। ग्रेवी अब पहले से थोड़ी थिक भी हो गई है, गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। ये देखिए 2 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पर और पका लूंगी,
जिससे ये बिल्कुल रेडी हो जाए और इसकी जो ग्रेवी दिख रही है ये भी थोड़ी सी थिक हो जाए। इसी बीच मैंने जो कोयला लिया था इसे मैं गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए चिकन अंगारा को स्मोकी स्मोकी बनाने के लिए हमारा कोयला यहाँ पर गर्म हो रहा है। ये देखिए हाई फ्लेम पे पकते हुए इसे 2 मिनट हो चुके हैं। अब ग्रेवी भी पहले से काफी थिक हो चुकी है। ये अब रेडी हो चुका है तो मैं अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये रेसिपी का नाम ही चिकन अंगारा है तो इसे स्मोकी फ्लेवर देना बहुत जरूरी है। तो इसे स्मोक देने के लिए मैंने एक ये छोटी सी कटोरी ली है, उसे मैंने ऐसे रख दिया है इसके बीच में। कोयला हमारा गर्म हो गया है, उसे मैं रख दूंगी इस कटोरी के बीच में। उसके साथ ही मैंने जो कुकिंग ऑयल में इसे बनाया था उसमें से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर ऐसे ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। आप चाहे तो यहाँ पर घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें से धुआं उठने लगा है तो इसके ऊपर ऐसे लिड लगा लूंगी और जब तक धुआं इसका इसमें अच्छे से आना बंद नहीं हो जाएगा तब तक इसके ऊपर हमें ऐसे ही लिड लगा के रखना है। ये देखिए अब इसे इस तरीके से रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे ओपन कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे बाहर निकाल लेंगे कटोरी को। स्मोकी स्मोकी चिकन अंगारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही मैंने जो हरी मिर्च ली थी उसे भी। इसे अब मैं कर लूंगी डिश आउट। आप मेरी इस चिकन अंगारा की रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये चिकन अंगारा बनाने की रेसिपी कैसी लगी। आप इसे रोटी, पराठा, नान या चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये घर पर ही चिकन अंगारा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।